परंतु इतनी प्रतिज्ञा कर ली, एक बार तुम देश को सिखा के जाओ कि मैंने गुरुजी से प्रतिज्ञा की थी मैं अपने पिताजी से हिस्सा नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा, फिर देखो द्रव मिलता कि नहीं मिलता, मिलता कि नहीं मिलता है। यदि भाग्य में लिखा है तो पिताजी का भी मिलेगा और दादाजी का भी मिलेगा, और भाग्य में नहीं लिखा तो मांग भी लोगे तो बचेगा नहीं। इसलिए प्रतिज्ञा क्यों ना ले लूं, ले लो नियम बेटा, क्या किससे, जोर से बोलो उनको सुनाई पड़ जाए, जोर से बोल खुश हो जाएगा जीव। परंतु पिताजी ऐसे तो नहीं है कि तेरा द्रव बहन को दे देंगे, उसकी भी चिंता मत करना, ठीक है, जो है बैठो आगे चलते हैं। संजय, सत्य को कहने के लिए बहुत क्षमता चाहिए, और जब व्यक्ति सत्य को ढकना चाहता है, जब व्यक्ति सत्य को ढकना चाहता है, जैसे कोई व्यक्ति पित्त रोग से दूषित हो जाए, उसका कफ वृद्धिमान हो जाए, पित्त बढ़ जाए, तो मित्र डॉक्टर जिनंजीत प्रमोद भैया, जब पित्त भड़कता है और कब भड़कता है तो आदमी की हालत कैसी होती है, चक्कर आएंगे, पित्त की तीव्रता में चक्कर आएंगे और कब की तीव्रता में चेहरा सफेद हो जाएगा, बात की तीव्रता में बड़बड़ाएगा, ओहो हो, शरीर में त्रिदोष होने पर, शरीर में त्रिदोष होने पर व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है। ऐसे ज्ञानी शरीर में यानी आत्मा में काम क्रोध मान माया लोभ ये जब भड़कते हैं तो जीव के बुद्धि घूमने लगती है, चक्कर आते, उसको चक्कर, सामने देखा आदमी का पुतला सत्य रूप में नहीं दिखता, उसको कुछ ही दिखता है। इसलिए सत्य को कहने के लिए बहुत शक्ति चाहिए, सत्य को कहने के लिए बहुत शक्ति चाहिए, सत्य को कहने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। संजय बराबर है, मात उपदेश सुनने का उद्देश्य इतना ही रहता जीव का, जो हम स्वयं नहीं सोच पाते अपने बारे में, जो हम स्वयं नहीं सोच पाते अपने बारे में वो सामने सुनने को मिल जाता है। ये प्रवचन का सार है। विराजो भैया समझ रहा है, ज्ञानी जो जीव स्वयं नहीं सोच पाता, और जीवन वैसा ही होता अब से, जो जीव स्वयं नहीं सोच पाता और जीवन वैसा ही रहता है, जीवन वैसा ही रहता है मालूम, तब व्यक्ति के सहज हाथ जुड़ जाते हैं। जब व्यक्ति के सहज हाथ जुड़ते बोले क्यों, अहो ये मेरे मन की बात कैसे जान गए, ये तेरे मन की बात नहीं है, जगत के मन के अंदर यही भरा हुआ है, तो सब समझ जाते। बोले अमुक टावर चल रहे, अमुक टावर चल रहे, अमुक टावर चल रहे, तो जिनके उस उसके मोबाइल होंगे ना सबके चलते वहां पर, बराबर चलते कि नहीं। अभी जंगल में बिहार चल रहा था, वर्धा के पास जंगल में बिहार चल रहा था, तो कई जगह बियवान जंगल था, तो जितने बिहार में चल रहे थे, कोई इधर भागता कोई इधर भागता था, बोले ओ मोबाइल नंबर वो मिल गया, मिल गया, बोले टावर मिल गया। मैं ऐसे देख रहा था मैं कि धन हो, जरा सी बात के लिए मोबाइल राशन चलने लगे ना तो ऐसे दौड़ते थे और चिल्ला भैया देख लो बात कर लो, बात कर लो, नंबर लग रहा है, लग रहा है चल रहा, मोबाइल चल रहा है। ओ मेरे मित्र, जैसे तुम जंगल में मोबाइल के लिए दौड़ते थे, मुक्तागिरी में पंचकणक चल रहा था सुब्रसागरी, लेकिन बहुत अच्छा तीर्थ है, बहुत अच्छा श्रेष्ठ तीर्थ है अपने आप में, मालूम वहां टावर नहीं मिलते, कोई के मोबाइल नहीं चलते, और कमेटी ने निर्णय करके रखा हमको चलवाना भी नहीं है। मुक्तागिरी में लोगों के मोबाइल नहीं चलते, लेकिन किसी ने कोई छत पर अचानक चढ़ गया होगा, तो बहुत ऊंची एक छत थी, उसके ऊपर एक आदमी चढ़ गया, अचानक उसको वहां पर उसका टावर मिल गया। अब जितने यात्री आते थे सबके सब उसी छत की ओर दौड़ते थे, बोले वहां मिलता है। मित्र एक कोने में छत पर कहीं वो मोबाइल चल रहा था, ज्ञानी
ज्ञानी, जैसे तुम्हारी कितनी प्रीति इस मोबाइल पर है कि तुम ऊपर छत पर चढ़ने जाते हो, ऐसी प्रीति निज की भगवान आत्मा के प्रति हो जाए तो चारित्र की छत पर तुम चढ़ जाओ। गैरों से बतियाने के लिए, गैरों से बतियाने के लिए तुम छत पर भाग रहे हो, गैरों से बतियाने के लिए पिता से छुप के बात कर रहे हो, माँ से छुप के बात कर रहे हो, गुरुओं से छुप के बात कर रहे हो, गैरों से बतियाने के लिए इतना तुम काम कर रहे हो, अपने से बतियाने के लिए किसी से छुपना भी नहीं पड़ेगा। गैरों से बतियाने के लिए कितना करना पड़ता है, अपने हृदय से पूछना जरा। गैरों से बतियाने के लिए मित्र, गैरों से बतियाने के लिए, गैरों से बतियाने के लिए कितना करना पड़ता है, मेरी तरफ मत देखो। मैंने तो जब से जन्म लिया तब से आज तक मोबाइल हाथ में लिया ही नहीं है। मालूम, कभी नहीं। सबसे पहले मैंने छत्तीसगढ़ में देखा था सुधीर के हाथ में मोबाइल, सबसे पहले। पापड़ी वाल जी, यही मुमुक्षु राज्य में जा रहे थे रायपुर से, तो रास्ते में बात नहीं कर रहे थे, आप भी साथ में चल रहे थे। हमने कि ये क्या डिबिया लिए है, बोले महाराज डिबिया नहीं है, ऐसे बातें होती हैं। उस समय बहुत कम मोबाइल, कुछ ही लोगों हाथ में थे। अब मालूम, प्रणव सागर जी, सुखिया बे नहीं है जो डिबिया ले घूमते हैं, सुखिया मैं हूं जो डिबिया को हाथ तक छुआ नहीं है। लेकिन तुम लोगों को देख देख मैं इतना समझ चुका हूं, कैसे भागते हो। कल एक युवा नौसेना का सैनिक 4 मंजिल से मोबाइल चलाते चलाते गिर गया और प्राण चले गए उसके, ऐसा भोला ब्रह्मचारी बता रहा था। एक नौसेना का सैनिक मित्र मोबाइल चलाते चलाते टपक गया। काश जैसे मोबाइल पर बातें करते करते युवा चला गया, ऐसे प्रभु से बातें करते करते जाता तो सारा जगत साधु कह के पुकारता। अब सोचो रूबी सेठी, तुम्हारा क्या विचार है, मोबाइल पर दूसरे से बातें करते करते जाना है कि गुरु के मुख से नमुका सुनते सुनते जाना है। यदि गुरु के मुख से नमुका सुनते सुनते जाना है तो कम से कम, जैसे लोग ये व्रती लोग रहते ना, बोले आज दिन में एक बार खाऊंगा, दो बार खाऊंगा, पर्यूषण आ रहे हैं, कम से कम इतना नियम आज से ले लो कि तुम 4-10 दिन तक कितनी बार मोबाइल लगाओगे। है कोई राम? बहुत बढ़िया, ठीक है भैया। कितने बार लगाओगे पंडित जी? बहुत बढ़िया। रावका जी ने हाथ दिखवा दिया, बाकलवाल जी ने हाथ दिखवा दिया, वो गंगवाल ने हाथ उठा दिया, वो चिरगांव ने हाथ उठा दिया। रवि सेठी भाई, ऐसा तो नहीं ले रहे जब तक सोऊंगा नहीं तब तक लगाऊंगा? यानी शिविर वालों को तो लगाने को मिलने ही नहीं है। बैठ जाओ। माताओं, आप ये मत समझा करो, ये सारा प्रवचन सब आचार्य श्री इनको देते हैं पुरुषों को। आप गौण वृत्ति में आप अपने में लगा लिया करो, वो आपको तो सबसे पहले त्याग करना चाहिए बेटियों को। ये मोबाइलों पर नहीं रहोगे ना तो हमारी जैन समाज सुरक्षित रहेगी। सत्य सत्य, कितना सारा ऐसा विषय है आज तक अनुपलब्ध है। अब सुनो, गाथा सूत्र कितने गहरे में जा रहा है, ये आपका जीवन बता दिया। अब जो लोग ये कहते हैं कि मेरा आगम सत्य है, मेरा शास्त्र सत्य है, जो कहते हैं मेरा शास्त्र सत्य है, आपका शास्त्र सत्य कैसे हो गया? आपका शास्त्र सत्य कैसे हो गया? शास्त्र में सत्य लिखा हो सकता है, पर तुम्हारा शास्त्रीय पूर्ण सत्य है ये तो कभी नहीं हो सकता।
सुनील, जाके समझाओ ज्ञानियों को, जाके समझाओ ज्ञानियों को, और ये गाथा 733 नंबर की गाथा है समण सत्तम में, इस गाथा का प्रमाण पत्र दे देना और जगत को कहना थोड़ा बुद्धि को ठंडा करो, मस्तिष्क को ठंडा करो और विषय को समझना सीखो। पर्णविज्जम भावा अड़ंत भागो तु अवलप्राणम पर्णविज्जानम पुनः अड़ंत भागो सुरबद्धो। एक एक सूत्र पर मैं व्याख्या कर रहा हूँ, देखो। अड़ंत भागो सुदृढ़बद्धो, जितने ज्ञानी ध्यान दो, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, पूरा आचार हूं, पूरा आचार हूं, बेबी पूर्ण नहीं कह पाए, नहीं कह पाए। जितनी तुम्हारा काम चल रहा है, जितना तुम कह पा रहे हो उतनी ही कह सकते हो। इधर देखो मेरी तरफ, मैं भी आपको प्रमाण दिखाता हूं। गौरव के भैया मित्र, जरा देखो यहां कितने लोग हैं, पीछे भी देखो, आगे भी देखो, बगल में भी देखो, एक साथ बोलो कितने लोग हैं, कौन कौन है, एक साथ बोलो कौन कौन बैठे यहां पर है? अनेक लोग तो हैं पर कौन कौन है? शर्म मत, जोर से बोलो है? हाँ, तो कौन कौन स्त्री, कौन कौन पुरुष, क्या क्या नाम इनके, एक साथ बोलो बेटा है? नहीं बता सकते हो, बहुत अच्छी बात है, फिर से देखो एक बार, देख सकते हो, एक साथ देख सकते हो, देख भी नहीं सकते हो, अच्छा मुड़के देख लो ना, देखो देखो, ये क्या है ना, जो अहंकारी जीव अपने आप को ज्ञानी कह करके जगत की वंचना करना चाहते हैं और ये कहते हैं जो मेरा संप्रदाय बोल रहा है वो सत्य है। तुम्हारा संप्रदाय क्या सत्य बोल पाएगा, तुम्हारा भगवान पूरा सत्य नहीं बोल सकता। तुम्हारा संप्रदाय क्या सत्य बोलेगा, भगवान पूरा नहीं कह सकता। जो कह रहे हो सत्य हो सकता है, पर जितना विश्व में है वो सबको एक साथ भगवान भी नहीं बोल सकता, तुम क्या बोल पाओगे। जब भगवान नहीं कह सकता है तो फिर ये देवी नगर का प्रमोद पंडित कहां से कह सकता कि मैं जो कहता हूं वो पूर्ण सत्य बोलता। इसलिए बोलना चाहिए कि सौमी स्यात् अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इन सात भंगों को जो सामने ला के रखा गया है, इसका उद्देश्य ये, तुम एक साथ कुछ भी कथन नहीं कर सकते हो, आपको नए का आलम्बन लेना ही पड़ेगा। नए की श्यादवाद की शरण में जाए बिना, श्यादवाद की शरण में जाए बिना सत्यवाद हो नहीं सकता है। यानी अपनी डायरी पर नोट कर लेना, श्यादवाद की शरण में जाए बिना सत्यवाद हो नहीं सकता है। जहां श्यादवाद का अभाव है वहां सत्यवाद का भी अभाव है। इसलिए राजो ज्ञानी, समझ में आ गया, सब जानते हो, जितना जानते हो ना उतना भी तुम कह नहीं पाते हो। जितना जानते हो, जितने विद्यार्थी यहां बैठे हुए हैं, युवा सारे युवा सुनो, डॉक्टर पुत्र, जिनेंद्र पुत्र, मित्र भैया सुनो मेरी बात को, जितना आप जानते हो उतना मुझे बता सकते हो। बोल, ईमानदारी से बोलो, जितना आप जानते हो मुझे बता सकते हो उतना।
जैसे भैया ने सारे लोगों को देखा, आपसे मैंने कहा बेटा एक उद्यान है, जंगल है, पर्वत है, वन है, उस वन जंगल की पर्वत की एक चोटी पर चढ़ करके पूरे जंगल को देख लो आप, सारे जंगल को तुम एक साथ देख सकते हो, देख रहे थे, परंतु कितना तुमने जान लिया उस सारे जंगल के बारे में तुम एक साथ बोल सकते हो? जैसे एक उद्यान में, एक वन में, एक वन में कितनी वृक्षावली है उसको तुमने ऐसे देख लिया, लेकिन उस देखने के उपरांत तुम जब लिखने भी बैठोगे तो कलम धीमे धीमे चलेगी और बोलने बैठोगे तो वचन धीमे धीमे चलेंगे। सर्वांगी रूप से कोई भी व्याख्या नहीं कर सकते आप, इसलिए मालूम अवाच भंग कहता है तुम ब्रह्म में मत रहना। अवाच भंग ने बोल के रखा हुआ है, जो नहीं कह पाए वो अवाच के अंदर रखा हुआ है, तुम टेंशन मत लो। अनुलप्य के अंदर रखा, अनुलप्य के अंदर रखा हुआ, अनुलप्य के अंदर रखा हुआ है, बहुत बड़ा कोठा है, बहुत बड़ा खजाना है इसके अंदर रखा हुआ है। एक दिन हमने आपको को मालूम कुठीले की बात की थी, तो कुठीले से भी बड़ी एक वस्तु और होती है, उसका नाम होता खोड़िया। कुठीला जो होता है ना ऊपर की ओर जाता है, खोड़िया जो होती है वो अंदर अंदर जमीन के अंदर ही बहुत गहरी जा करके उसमें धान रख दिया जाता है, वो सड़ता नहीं है, काल कीट कीड़े नहीं लगते हैं। मालूम जब कहीं बहुत बड़े अकाल पड़े, कोई दुष्काल पड़े, ऐसे काल में खोड़ियाँ खोली जाती हैं, तब सारे जगत को बांटा जाता है, वो खोड़ियाँ कहलाती हैं। आज तुम्हारा जो गोदाम बनता है ना गोदाम, तो गोदाम के अंदर सब बोरे भरे रखे हुए पर भवन में, ऐसे जमीन के अंदर भवन बना करके उसके अंदर गोल 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 ऐसे बना के रखते कुएं जैसे, उसके अंदर धान भरा होता है, उसका नाम सुना आपने खोड़िया। जैसे खोड़ियों के अंदर धान भरा हुआ है, खोड़ियों के अंदर धान भरा हुआ है, ढके हुए ऊपर लोग निवास कर रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, ऐसे बेटा अपने अंदर बहुत सारा ज्ञान गे अंदर भरा हुआ है, खोड़ियों की भांति जब आवश्यकता पड़ती है तब वही निकलता है। सुनो।